हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज आ गए हैं एक नई जगह पे घूमने। फ़िलहाल मैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में हूँ और आज मैं आपको यमुना रिवर दिखाऊंगा यहाँ का। फ़िलहाल मेरे सामने ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये एंट्री है हिमाचल प्रदेश में पांवटा साहिब के अंदर आने की। फ़िलहाल ये जो आप पुल देख रहे हैं, ये हिमाचल देहरादून को कनेक्ट करता है। ये इधर हिमाचल है और ये उधर उत्तराखंड हो गया। कल हम वहाँ गए थे, वहाँ पे सब्जी मार्केट लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश के वजह से हम दिखा नहीं पाए और वीडियो भी नहीं शूट कर पाए। सो कभी और आपको वीडियो दिखाएंगे, बट अभी चलते हैं हम सीधा यमुना रिवर के पास में। ये देखो कितने अच्छे अच्छे यहाँ पहाड़ हैं और इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, तो बने रहिएगा व्लॉग में। सो ये रास्ते हैं जहाँ से चल के हम यहाँ पे, एक गुरुद्वारा भी है और यहाँ बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है, बट वहाँ हम किसी और दिन चलेंगे। ये रिवर के ये देखिए, जैसा कि आप यूपी में देखते हैं वैसा वहाँ पे भी कुछ पेंटिंग की गई है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और भी कई सारे भगवान के पेंटिंग्स को डिज़ाइन किया गया है। सो काफ़ी अच्छे से ये जगह को प्लेस किया गया है। यहाँ पे एक मंदिर भी है गुरुद्वारा के पास में ही, तो ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं जल्दी, वरना रात हो जाएगी और बंदर भी दिख रहा है भाई यहाँ पे मेरे को। ठीक है, वो जगह कितने अच्छे हैं। वो मेरा फ्रेंड, वो भी ब्लॉगिंग कर रहा है, उनका भी चैनल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो इधर यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, लेकिन ये काफ़ी महंगे यहाँ पे रेस्टोरेंट होते हैं। यहाँ पे हर चीज़ महंगा है, खाने पीने की सारी चीज़ें महंगी। फिलहाल हम रोड पे चल रहे हैं। ये भाई साहब शेर, नकली शेर। यहाँ पे आप देखो सारे पेंटिंग्स से डिज़ाइन किया गया है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे माहौल देने की कोशिश की गई है। और वो सामने जो आपको दिख रहा है वो है गुरुद्वारा, वहाँ पे किसी और दिन चलेंगे और वहाँ का भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, बट आज यमुना रिवर दिखाते हैं। फ़िलहाल लेट हो गए हैं और सामने बंदर बैठे हुए हैं, बस अटैक ना करें। ये रहा कुछ ऊपर से नज़ारा यमुना रिवर का, और ये सामने जो आप पुल देख रहे हैं ये उत्तराखंड हिमाचल को कनेक्ट करता है, इस पार पांवटा साहिब उस पार देहरादून। और ये देखिए कितनी अच्छी पहाड़ है यहाँ पे, कितनी बड़ी बड़ी पहाड़ हैं। यहाँ पे शाम के वक्त लोग घूमने के लिए आते हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और गुरुद्वारे में आते हैं, उसके बाद वो यहाँ के पानी के किनारे बैठना पसंद करते हैं, जैसा मुझे कुछ दिनों में एक्सपीरियंस हुआ। ये देखिए ये कितने अच्छे नज़ारे हैं। और यहाँ पे छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट जितना भी है वो बहुत ही खूबसूरत है। जो आप देख रहे हैं ये गुरुद्वारा है और ये काफ़ी फेमस गुरुद्वारा है, अभी इसके अंदर भी चलेंगे और यहाँ का दर्शन करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये माता जी का मंदिर है और ये भी यमुना रिवर के सामने ही है, और शाम के वक्त यहाँ काफ़ी अच्छा नज़ारा हुआ, लोग दर्शन करने आके फिर अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। और यहाँ आरती भी होती है, ये देखिए लोग आरती ले रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, यहाँ पे आरती भी होती है और बहुत ही अच्छे ढंग से होती है। लोग पूजा पाठ भी करते हैं नदी के किनारे। और ये देखिए
कितने लोग हैं जो आरती को आशीर्वाद ले रहे हैं। तो ये थे कुछ नज़ारे, अब चलते हैं वापस क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी इसलिए वीडियो नहीं बन पाई। कभी और बनाएंगे और इसको दिन में आपको पूरी तरह से दिखाएंगे। तो ये है रहा आज का हमारा शॉर्ट में ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।